नमस्कार। आज हम जा रहे हैं फिर एक मंदिर के दर्शन कराने के लिए आप लोगों को, और मैं खुद भी करूंगा। एक्चुअल में मैं नाम नहीं जानता मंदिर का, क्योंकि मैं बस निकल रहा हूँ। गोप्रो से एक्शन से मिलेगा आपको सब कुछ। और एक समस्या है कि मतलब मैं बस यहाँ से निकलूंगा, किधर मुड़ जाऊंगा, मुझे जो भी मंदिर मिलेंगे रास्ते में मैं उनका आपको दर्शन कराता हुआ चलूंगा। तो बस मेरा यही है अभी ये दिमाग में है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। कैसे दर्शन होंगे, क्या होंगे, किन मंदिर के होंगे नहीं पता, बस रैंडम हम लोग चल रहे हैं। जो भी मंदिर दिखेंगे उनके दर्शन आपको कराते जाएंगे, और आपको सुबह रोज 7 बजे वीडियो मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को भारतीय संस्कृति, और लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करिए। और शायद ये दाढ़ी 2 दिन में कट जाएगी, ये सावन एंड हो रहा है, सो तब मैं मीन्स विदाउट शेव रह पाऊंगा। और आपको आगे बहुत अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं जब हम अयोध्या जा रहे हैं, नानी को लेके, मम्मी को लेके, पापा को लेके। अरे गौ माता चलो, यहाँ कुछ नहीं है। गौ माता गेट पे आ गई हैं। हेलो गौ माता, कैसी हो? हेलो गौ माता, क्या हाल चाल? दोस्तों निकल तो गए हम, लेकिन हमें पता नहीं किस साइड जाना है। और तो बस चल रहे हैं, अभी देखते हैं किधर जाते हैं हम लोग। रैंडमली मुड़ गया राई, मुझे चलिए देखते हैं आगे कोई मंदिर मिलेगा तो दर्शन कराते हैं आपको। हम रैंडम निकल तो गए, लेकिन पता नहीं है कि कहाँ पे मंदिर है। तो मज़ा आएगा, रैंडम दर्शन हो गया आज। यहाँ पानी बरसने लगा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा कर दिया गया यार, रोड की खुदाई बहुत चल रही है। कहाँ से? यहाँ पे एक मंदिर है, इस मंदिर का मैं दर्शन कर चुका हूँ, आपको करा भी चुका हूँ। ये देखिए देखिए देखिए, लड़े जा रहे हैं। इतना बड़ा गड्ढा भी इस रोड पर, वाह। और ये पानी बरसने से धस गई है रोड। एक सामने मंदिर है, तो चलिए वहाँ चलते हैं, आज वहाँ के दर्शन करते हैं। बताइए, ये बीच में खुला ढक्कन पड़ा हुआ, वाह। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर पे, चलिए आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। नमस्कार, हम लोग आ चुके हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। और इस मंदिर का नाम तो मुझे अभी नहीं पता, मैं पूछूंगा यहाँ पे लोगों से जो भी इसका नाम हो, क्योंकि मंदिर पे कुछ लिखा नहीं है। मुख्यतः अंदर भगवान भोलेनाथ के दर्शन आपको होते हैं, और बाहर बजरंगबली भगवान के। सो आपको सबके दर्शन कराते हैं, फिर हम लोग नाम भी पूछेंगे यहाँ के लोगों से, निवासियों से, कि इस मंदिर का नाम क्या है। सो चलिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। इस जगह का नाम बेसिकली, ये एरिया गंगागंज कॉलोनी में पड़ता है, भाग 4 में। सो ये मंदिर वहीं पे है। सो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं भोले बाबा के। सो बाहर से मंदिर कुछ ऐसा है। जय भोले बाबा, ओम नमः शिवाय। सो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय। अंकल, इस मंदिर का नाम क्या है? दुर्गा जी का मंदिर। अच्छा, ठीक है। आप यहीं आसपास रहते हैं? बगल में रहते हैं। अच्छा, ये मंदिर कितने साल पुराना होगा लगभग? ये मंदिर के पुराने हो गए कम से कम 30 साल हो गए, 30-32 साल। 30-32 साल, ठीक। इसको बनवाने वाले मतलब क्या कौन थे, मतलब आप ही लोग ने बनवाया मिलके कि? आप ही लोग ने बनवाया। सो चलिए चलते हैं अंदर और मंदिर के दर्शन करते हैं। जय हो बजरंगबली भगवान जी की। सो यहाँ पे मुख्यतः आपको बजरंगबली भगवान जी के
प्रथम दर्शन होते हैं गेट पे। ओम नमः शिवाय, जय हो प्रभु, जय हो भोले बाबा, जय बजरंगबली, जय श्री राम। चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं भोले बाबा के। जय हो। इस मंदिर का नाम है श्री दुर्गा मंदिर। जय माता दी, जय हो प्रभु, ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। चक्कर ऐसा था यहाँ पर जब हम लोग रहते थे। जय माता दी, जय माँ, जय माँ, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री गणेश भगवान जी की, जय हो गणपति बप्पा मौर्य, जय माता दी, जय भोले बाबा, जय हो नंदी बाबा की जय हो। इस मंदिर में केले का पेड़ लगाया गया है जो कि बेसिकली बृहस्पति भगवान जी को समर्पित होता है। जय हो प्रभु। यहाँ पे तुलसी माता जी का भी पेड़ है। जय माँ। यहाँ पे शनिदेव बाबा और ब्रह्मदेव बाबा जी के दर्शन होते हैं आपको। यहाँ पे आपको शनिदेव भगवान जी के दर्शन होते हैं। जय हो शनिदेव भगवान के, जय ब्रह्मदेव भगवान जी की, जय हो प्रभु। सो ये है मंदिर का प्राकार। और जैसे मेरी बात हो रही है अंकल बता रहे हैं कि यहाँ पे जब नवरात्रे होते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है नवरात्र में भी। ये मंदिर लगभग 30 से 32 साल पुराना है और यहाँ के लोगों ने ही मिलके इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ नवरात्रों के टाइम पे होती है और बाकी टाइम पे बहुत शांतिमय मंदिर रहता है। और यहाँ पे जगह बहुत है, अगर किसी को भी सत्संग कुछ भी करवाना हो वो लोग आके यहाँ पे ढोलक बजा सकते हैं, सब कुछ बजा सकते हैं। शनिदेव भगवान जी का भी यहाँ पे निवास है, ब्रह्मदेव भगवान जी का भी है, भोले बाबा का भी है और यहाँ पे केले के पत्ते लगे हैं जो बृहस्पति भगवान जी के लिए समर्पित है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, जय हो भोले बाबा। अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करें। जय माता दी।